रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि दो लोगों ने उसके साथ तमंचे के बल पर गैंगरेप किया। दरअसल महिला दवाई लेने बाहर गई हुई थी, तभी कार में आए दो लोगों ने बंदूक के बल पर उसे अगवा कर लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। दो दिनों तक रेप करने के बाद आरोपी उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मैं दवाई लेने के लिए आ रही थी, मैं आ रही पैदल पैदल, मारुति आई आते आधे रास्ते में, वहाँ पुल के धरा तो मैं मारुति रुकी मेरे कहने, मैं खिड़की खोल के मैं खींच लिया, हाथ पकड़ कर खींच लिया, तो फिर मुँह दबोच लिया मेरा, कपड़ा बांध दिया मेरे मुँह से और तलवार वो रख दी, हथियार रख दिया मैं हाथ पे कान पे मेरे हथियार रख दिया, तो बोला शोर मचाएगी तो इससे मार डाला मैं, ये ख़त्म कर देना, फिर मैं बर्फी में खिला दिया, लेके बर्फी खा जाते से मैं नशा हो गया, फिर मैं पता नहीं चला कहाँ कहाँ रखा, दो दिन रखा मैं। ये भोट थाने की घटना है और यहाँ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पड़ोसी गांव के दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखा, जिसके संबंध में भोट थाना भोट पे 342 376 डी और 506 के अंतर्गत 506 IPC के अंतर्गत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला के बयान 161-64 के कराए जा रहे हैं, मेडिकल हो गया है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके विवेचना का निस्तारण किया जाए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।